आप सभी जानते हैं कि श्री आनंद बाबा जी महाराज बहुत ही अच्छे महाराज हैं, और सभी को पता है कि जो साधु संत होते हैं इनके पास एक अलग से खजाना होता है। ये किसी किसी अपने भगत को देते हैं, फिर भी ये सबसे प्रेम करते हैं, सभी भक्तों से, सबकी भलाई के लिए तपस्या करते हैं। और गांव खंदराई में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली सर्दियों में इन्होंने जलधारा की तपस्या की थी, सभी को देखने का मौका मिला, कुछ ने साथ दिया कुछ ने नहीं दिया, मतलब सब बराबर होते हैं गांव में, हर तरह के इंसान होते हैं। और ये तपस्या 29 मई को संपन्न होगी, पूर्णमासी वाले दिन भंडारा भी है, उसमें आप सभी भगत आमंत्रित हैं। श्री आनंद बाबा जी खंदाई वाले ये उस स्थान को प्रणाम करते हैं जिस पर भी विराजमान होंगे, बाबा भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ ठीक होने जा रहा है। ध्यान से देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइबर करें। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइबर कर दिया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि धार्मिक है ये वीडियो। ये बाबा भोलेनाथ देखिए, बाबा आनंद की तरफ नज़र करते हुए, और इनकी नज़र से ही सब कुछ होता हमारे यहाँ। ध्यान से देखिए श्री बाबा जी आनंद उसको प्रणाम करते हुए बड़े शांत स्वभाव के। हर साधु हर संत बड़े सहनशीलता और शांता वातावरण में रहने को पसंद करते हैं, और यही सादगी इंसानों को अच्छी लगती है, और इसीलिए सभी साधु संतों को पसंद करते हैं। श्री आनंद बाबा जी महाराज अपने गुरु का नाम लेते हुए, अपने इष्ट देव बाबा भोलेनाथ को मनाते हुए, अपनी भक्ति की ओर आगे बढ़ते हुए, श्री आनंद बाबा जी खंदराई वाले, जय बाबा भोलेनाथ। और ये तपस्या संपन्न होने के बाद भंडारा होगा, उसके बाद बाबा जी हरिद्वार जाएंगे अपने भक्तों के साथ। हरिद्वार में स्नान करके बाबा के नीलकंठ महाराज के दर्शन करके तभी ये तपस्या संपन्न होगी, संपूर्ण होगी, तभी कुछ बाबा को। जय श्री बाबा भोलेनाथ। और खास बात ये है कि इतनी गर्मी है इसमें बाबा को जरा भी महसूस नहीं, क्योंकि उस महादेव जिसको सबका बाप बोलते हैं उनकी कृपा इन पर लगातार बनी हुई है, और हर साधु संत पर बनती है, देखने वाले पर भी बनती है, करने वाले पर भी बनती है। ये देखिए अपने स्थान से ये 7 धुने लगा रखे हैं बाबा ने, हर रोज इनमें ये सामग्री बढ़ती रहती है, ये शुरू की है। ध्यान से देखिए और देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि देखने वाले का भी उतना ही धर्म लगता है जितना कि करने वाले का लगता है। हम प्रचार करते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ मिलता है, देखने वाले कहते भी बड़ा अच्छा भेजा हमारे पास। तो उसी प्रकार आप सभी से प्रार्थना है हमारी भी और बाबा की भी, जय बाबा भोलेनाथ। ध्यान से देखिए आनंद बाबा जी महाराज खंदराई वाले, और इनकी कृपा से गांव खंदराई में बड़ी शांति है, लोग पसंद करते हैं। ये देखिए बाबा भोलेनाथ की नज़रें श्री आनंद बाबा जी पर बनी हुई हैं, लगातार बाबा को देखते रहते हैं, बाबा भी उनको देखते रहते हैं। ऊपर बाबा की छाया देखिए, बाबा का 11वां रूप श्री बालाजी महाराज, रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज, ये भी बालाजी महाराज हैं जो कि भोले का रूप है, इनकी भी कृपा बनी रहती है बाबा पर। ये भोले बाबा के सेवक श्री आनंद बाबा के सेवक देखिए लेकर के आए हैं, जो बाबा को बबूत लगाते हैं, तभी तो भोले का नाम लिया जाता है बबूत। राख रमाए बैठे हैं, ये भोले बाबा के सेवक हैं, तभी तो कुछ भोले बाबा दर्शन करते हैं, क्योंकि उनमें रंग में लीन होना बहुत ही अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी और कहने में भी। ये इनका नहाना धोना होता है, ये इनका पहनावा होता है। श्री आनंद बाबा जी महाराज
बिल्कुल भोले के रंग में रंगे गए हैं ये, इनका कोई अपना नहीं, कोई पराय नहीं, सारा संसार इनका अपना है, सारा संसार अपना इनका, सब कुछ बाबा भोलेनाथ, इनकी कृपा सब पर बनी रहेगी और आप सभी देखने वालों पर भी बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। सब भी शेयर करें बाबा भोलेनाथ, देखते रहिए। अपनी तपस्या में लीन हो गए हैं 2.5 घंटे के।